आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। बार एसोसिएशन सिधौली द्वारा सिद्धावली पत्रिका का विमोचन किया गया। इस मौके पर ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश एस के चौधरी, असिस्टेंट सॉलिसिटर जर्नल ऑफ इंडिया एस बी पांडे, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सर्वरीश मिश्रा, एसडीएम सिधौली ए आर फारूकी, सीतापुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी, सचिव सत्येंद्रनाथ मिश्रा, लहरपुर अध्यक्ष के बी त्रिपाठी सहित सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। देखें एक रिपोर्ट। निश्चित रूप से बार एसोसिएशन सिधौली के प्रति एक मील का पत्थर साबित होगी और कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जो संवाद है उसको आगे बढ़ाएगी। ये बहुत ही अच्छा अवसर है और एक बहुत बढ़िया सराहनीय प्रयास है बार एसोसिएशन सिधौली का। ये बार एसोसिएशन सिधौली के गौरवशाली इतिहास में एक और अहम पड़ाव था और ये एक अहम पन्ना जुड़ गया उनके इतिहास में, और आज इन्होंने अपना पहली पत्रिका का विमोचन किया है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। बार एसोसिएशन सिधौली में जितने भी सम्मानित सदस्यगण और पदाधिकारी हैं, बहुत ही इनके द्वारा सहयोग किया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से जो वादकारी उनको न्याय दिलाया जाता है। सिधौली बार एसोसिएशन द्वारा जो पत्रिका का विमोचन सिद्धावली के नाम से किया गया है, निश्चित तौर पर भगवान सिद्धेश्वर के नाम पर ये पत्रिका, और इस पत्रिका के माध्यम से अधिवक्ता समाज एक दूसरे से जुड़ करके जो एक नई पहल कर सकता है, उसका प्रयास सिधौली बार एसोसिएशन द्वारा किया गया है। इस सिद्धावली नाम से जो पत्रिका का विमोचन हुआ, इसमें महामंत्री जी का मेरे बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने जो इसमें कुछ शब्दों को संग्रहित किया है जो जनमानस के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, और इस जो पत्रिका है उसको पढ़ने से सभी को जो है एक श्रद्धा भाव या अन्य सभी न्याय के प्रति सभी को मिलने जुलने का एक जो है एक माध्यम है। ये पत्रिका का प्रकाशन अत्यंत सराहनीय कार्य है। इससे न केवल अधिवक्ताओं में साहित्यिक प्रवृत्ति का जागरूकता होगी, अपितु यहाँ के इतिहास और भूगोल के साथ साथ विधिक ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। ये सिद्धावली पत्रिका का जो आज ये जन्म हुआ है, ये हमारे सीतापुर के वैभव को पूरी भारत में प्रतिष्ठापित करने का पुनः उसी तरह का काम करेगी जैसा कभी सतयुग और त्रेता और द्वापर में इस धरती का वैभव बढ़ा था। इस पत्रिका के माध्यम से पूरा भारत ये हमें जान सकेगा कि इस धरती का क्या महत्व है, इसका पौराणिक क्या महत्व है। आज को जो कुछ भी विज्ञान शास्त्र वेद पुराण हम देख रहे हैं, वह सब इसी धरती की देन है। यह सबसे गौरवमयी क्षण जनपद सीतापुर तहसील सिधौली के लिए है जो इस पत्रिका का विमोचन हुआ। ये पत्थर मील का पत्थर है विद्वानों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, वादकारियों के लिए और राष्ट्र के लिए। इसका ऐसे प्रयास आपको और हमको और समस्त विद्युत जनों को करते रहना चाहिए। इस पत्रिका का विमोचन सिधौली बार एसोसिएशन के लिए बहुत अच्छी प्रगति का प्रतीक है और इस तरीके के कार्य समाज को एक दिशा देते हैं। ये पत्रिका जो है यहाँ सिधौली के अधिवक्ताओं एवं समाज का एक आईना सिद्ध होगा आने वाले भविष्य में, और एक वैचारिक एक सोच यहाँ की इतिहास यहाँ की संस्कृत को इस पत्रिका के माध्यम से पूरा जनपद ही नहीं अपितु पूरा प्रदेश जानेगा। इस पत्रिका का प्रकाशन ये हमारी प्राथमिकता नहीं, ये तो एक शुरुआत भर है, क्योंकि इस तहसील सिधौली के जो माननीय अधिवक्ता बंधु हैं, इन्होंने हमको बड़े प्यार स्नेह और विश्वास से महामंत्री बनाया था, उसकी मैं क्षतिपूर्ति कर सकूं ये मेरे बस का नहीं, और ये पत्रिका जो है पहला कदम है। और मैं चाहूँगा ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं को और ये जो हमारे महानुभाव हमारे मंचस्थ हैं, इन लोगों के आशीर्वाद से ये पत्रिका छपी है। और जिस बार ने हमको महामंत्री बना के जो चादर सफ़ेद सौंपी थी, मैं उसको बेदाग उनको वापस करके जा रहा हूँ। इस संबंध में यह है कि ये सिधौली में पहली बार महामंत्री और हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा सिद्धावली के बारे में लोग जानते नहीं थे, और कांटेक्ट जोड़ के कि शंकर जी की जो अनुभूति थी, शंकर जी का जो स्थापना थी उसके नाम पर सिधौली का जो नाम पड़ा और ये जो पुस्तिका स्मरण छापी गई है, जो अधिवक्ताओं के बीच में कांटेक्ट एक जोड़ने का जो होता संवाद होता कम्युनिकेशन, उसके संबंध में एक बहुत बड़ा कदम है। इस वकीलों द्वारा सिद्धावली पत्रिका का जो आज कार्यक्रम रखा गया,
वकीलों द्वारा बहुत अच्छा रहा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ एसोसिएशन को, शुभकामनाएं दे रहा हूँ।